जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और अभी हम लोग जा रहे हैं मैच देखने के लिए। जैसा कि आप लोग के कल बहुत सारे कमेंट आए थे कि इंडिया नीदरलैंड्स का ब्लॉग आपको मेन चैनल में ही देखना है, तो आज हम लोग जा रहे हैं बैपनहली मेट्रो स्टेशन से कब्बन पार्क तक, फिर वहां से जाएंगे चिन्ना स्वामी स्टेडियम वॉकिंग करके। और आज का आप मैच मेरे साथ एंजॉय करने वाले हो, इंडिया वर्सेज नीदरलैंड्स। इंडिया लगातार 8 मैच जीती है, आज 9th मैच है, देखते हैं आज रिकॉर्ड बनता है कि नहीं। वैसे मेरी तरफ से तो पूरी गारंटी की है और बनेगा ही भाई, इंडियन टीम है, ऐसी वैसी टीम नहीं है कोई। बाकी ये रहा मेट्रो स्टेशन, चलते हैं मेट्रो से और देखते हैं मैच की एक्साइटमेंट कैसी है, स्टेडियम का क्या हाल है और खाने पीने की चीज़ें किस रेट में मिल रही है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो यहाँ पे आज अपनी बैंगलोर मेट्रो की सवारी, चलिए चलते हैं अंदर। भीड़ तो अभी से दिख रही है क्रिकेट फैंस की थोड़ी थोड़ी, और आम जनता भी आज ट्रैवल कर रही क्योंकि संडे का दिन है। पूरी मेट्रो यहाँ पे पैक है आज, यहीं से मैं अपने लिए से नॉर्मली क्या रहता है इतना पैक नहीं रहती है, पर आज फुल पैक है यहाँ पे मेट्रो। यहाँ पे आज के हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर, और भीड़ देखो यहाँ पे कितनी लगी हुई है, लाइन लगी हुई है यहाँ से बाहर जाने के लिए। भाई भीड़ देखो यहाँ पे आप लोग, ये सब की भीड़ मेट्रो स्टेशन के बाहर से लगी हुई है स्टेडियम जाने के लिए। लोग टी शर्ट्स वगैरह बेच रहे हैं, जर्सी बेच रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, भारतीय सब कुछ है यहाँ पे। अगर आपको इंडिया का फ्लैग वगैरह लेना है तो मेट्रो के अंदर ही ले लेना, आपको 35 रुपीज़ में मिल जाएगा इंडियन पोस्ट की तरफ से। और अंदर कैंपस को लगे काउंटर भी है, तो आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत महंगी मिलने वाली हैं, यहाँ फ्लैग आपको 100 से 150 रुपये के बीच में मिलेगा, और टी शर्ट वगैरह भी है यहाँ पे नकली वाली, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। 300 से 500 का रेट लगाएंगे, पर 200 रुपये में आपके लिए वो सेल कर देंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पे देख लो अपनी टिकट और एंट्री यहाँ पे हो चुकी है मैच के, तैयार लोअर स्टैंड अपना सी लोअर स्टैंड, तो जा रहे हैं वहीं पे तुरंत ही, यहीं पे पास में मिल जाएगा। रेट आप यहाँ पे देख लो, थम्सअप 300 ml 40 रुपये, स्प्राइट फैंटा सब कुछ है यहाँ पे। बैंगलोर में रेट काफ़ी कंट्रोल है, कट फ्रूट वगैरह आपको 40 रुपीज़ में, टी कॉफ़ी 25-25 रुपीज़ ऐसे रेट में मिल रहा है, मतलब बहुत सही लगा मेरे को। अहमदाबाद की याद आ गई, वहाँ पे तो बहुत ही महंगा था। एंड इनफैक्ट पानी वगैरह का रेट यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। अच्छा पानी फ्री है यहाँ पे बैंगलोर में, बेस्ट बेस्ट पानी यहाँ पे फ्री है आपके लिए, सर्विसेज का पूरा ख्याल रखा गया है। अभी ऑडियो कैसा है उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, अंदर ईयरफोन्स वगैरह भी अलाउ नहीं थे तो मैं नहीं लाया, मुझे मल्हार भाई ने पहले ही बता दिया था कुछ भी लेकर मत जाना, केवल मोबाइल पावर बैंक ईयरफोन कोई भी केबल कुछ भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। लोअर स्टैंड ये है अपना चिन्ना स्वामी स्टेडियम। दोस्तों मेरी आज की टिकट स्पॉन्सर की है कंफर्म टिकट ने, फ्लाइट ट्रेन सब कुछ स्पॉन्सर किया था उन्होंने, थैंक्स अ लॉट फॉर अरेंजमेंट। कंफर्म टिकट इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन टिकट बुकिंग ऐप है, जहाँ पे आपको सेम ट्रेन में ऑल्टरनेट टिकट का भी ऑप्शन मिल जाता है, बिना प्रेडिक्शन का मिलता है, साथ साथ आप बड़ी क्विकली यहाँ से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। लेट्स गेट रेडी, प्रेजेंटिंग टू यू द प्लेइंग 11 ऑफ टीम इंडिया, फर्स्ट Pachkarena, Varna, aayenge Rohit Sharma. All set to kill. The name is Shubman Gill. And here comes the master, the cheese master, King Kohli. This man is always on fire. Name is Shreyas Iyer. ये गई मैच की पहली बॉल, रेडी। ओ गुरु हो जा शुरू, पहला फोर भी शुरू हो चुका है, रोहित शर्मा जी ने मारा एक धमाकेदार चौका यहाँ पे, पहला छक्का कब पड़ेगा उसका इंतजार है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। पहली सीट ले ली है, देख लो जगह ही है, इससे बेस्ट सीट तो नहीं हो सकती यहाँ पे। और मचाओ शोर, इट्स गोन फॉर फोर, और चौका। रोहित शर्मा हमारे यहाँ 200
फास्ट बॉलिंग सुमन गिल के लिए। बहुत ही तगड़ी फील्डिंग थी ये वाली। इट्स द एंड ऑफ टू ओवर्स, कोर इंडिया 15 फॉर नो लॉस। इट्स कॉल्ड द कटर, द कटर, द कटर शॉट। जबरदस्त फील्डिंग। ये शॉट मारने की कोशिश, लेकिन बहुत तगड़ा मिस हुआ। अफसोस मनाते हुए यहाँ पर शायद लगी भी है। बहुत गलत जगह लगा है। पावर, पावर, पावर कंट्री। ये तो अद्भुत वाला शॉट। एक और चौका भाई। A shot in a hesru, Lakshmi bomb. I back to back six par rahe, back to back. एक बात अच्छी है कि बैंगलोर में जो खाने पीने की चीजें वो ओवरहेड नहीं है अहमदाबाद जैसे। 40 रुपीज में कोक है, 40 रुपीज में भेलपुरी वगैरह मिल जाएगा, सब कुछ आपको रेट टू रेट बढ़िया मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लूट नहीं है अहमदाबाद में, तो भयंकर लूट थी स्टेडियम के हिसाब से। मतलब 3 से 7 पेप्सी के लिए 40 रुपीज़ सही है रेट। शुभमन गिल यहाँ पे 24 बॉल में 45 और रोहित शर्मा 34 बॉल में 42। देखते हैं पहले हाफ सेंचुरी कौन पूरी करता है। और इंडिया के भी 100 पूरे ही होने वाले इसी के साथ। And that brings up a 50 for Shubman Gill. ये था यहाँ पे Shubman Gill का 50 पूरा हुआ। Alright, let's do a cheer for Shubman Gill. इसी के साथ इंडिया का 100 पूरा हुआ सेफली एकदम। Alright, ladies and gentlemen, that's 100 for India. And on that note, DP World delivers 10 kicks towards Virat. यहाँ पे विराट कोहली बैटिंग पे इंडिया का 100 पूरा हुआ। Hey 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 बेंगलुरु, यूरो परवर को मात्रा पेरे और हवा बंद मेले, यूरते हवा। भाई यार जब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो चौके नहीं पड़ते, जहाँ बैठता हूँ चौके पड़ने लगते थे। कैमरा बंद करके आप देखते हैं क्या होगा यार। भाई फील्डर के हाथ में फिर से शॉट तगड़ा था, लेकिन
श्रेयस अय्यर की मैं पहली मतलब बॉल कवर कर रहा हूँ, मैंने तब से मैं तो देख रहा हूँ मैच में, तो खेल तो बढ़िया रहे। सबसे एक शॉट आपको इनको दिखाएं, शॉट तो दर्द। यहाँ विराट कोहली के 50 के लिए एक रन बचा है, देखते हैं कैसा पूरा होने वाला आज ये इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स। And that brings up a 50 for Virat Kohli. The 8th over में कोहली के 50 पूरे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन आज सिंगल के साथ में मैं तो 4 और 6 एक्सपेक्ट किया था। अब यहाँ मैच का बहुत थोड़ा coming back to ball is over. Van de Merwe 198 पे दो विकेट हो चुके हैं, देखते हैं स्कोर कितना है। हमें लगता है 300 टच होने वाला है, पता नहीं क्यों सारे 50-50 बनाकर ही आउट हो रहे हैं, चाहे रोहित शर्मा ले लो, सुमन गिल ले लो, कोहली ले लो, सब 50-50 में आउट है। अभी जो श्रेयस अय्यर है उसको भी 31 चल रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। जब जब मैं उठता हूँ यार इसी फील्डर के पास बॉल आती है। केएल राहुल बैटिंग में, लास्ट के 10 ओवर बचे हुए हैं। Sent away to the boundary. Choka, choka, choka. Adke helado, powerful Rahul. क्राउड का एक्साइटमेंट आप देखिए, जय हो भारत माता की, जय हो। केएल राहुल के 50 रन्स कंप्लीटेड। आज जितने भी लोग खेले सबने अपना 50 पूरा किया यार, ये कमाल की बात है, सबके सबने अपना 50 पूरा किया। 42 ओवर्स चल रहा हूँ यहाँ पे, 50 रन्स पूरे। श्रेयस अय्यर 99 पे, केवल एक रन की जरूरत 100 पूरा करने के लिए। पूरे क्राउड में उत्साह, all right, back to the next one. Once again, just looking like a wow. Just looking like a wow. लगातार दो छक्के के बाद एक चौके की भी कोशिश, कमाल की फील्डिंग ने बचा लिया, लेकिन शॉट बहुत तड़ा था श्रेयस अय्यर का। दो छक्के बैक टू बैक, फिर चौके की बहुत फील्डिंग है सर, बस जोर से चपाले वाले, कम ऑन कम ऑन, बहुत बढ़िया। शो सम लव टू द ऑरेंज आर्मी। यहाँ पे इंडिया का स्कोर 383 हो चुका है और बॉल बची है केवल 8। फर्जरी फर्जरी फर्जरी, this is huge!
बट वंडरफुल शॉट। इसी के साथ इंडिया ने 410 का रन। दीपावली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट कुडंट हैव बीन मोर लिट। देखो ब्रेक में सैंडविच का ऑप्शन भी है, स्वीट कॉर्न का ऑप्शन भी है, और यहाँ पे चाय कॉफी का भी ऑप्शन, वैरायटी पूरी लगी हुई है। सर स्वीट कॉर्न वाले यहाँ पे मैच की पहली बॉल बुमराह की तरफ से। बिटकोडला बिटकोडला खंडरी स्कोर में लगातार तीन बाउंड्री जा चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। मैं आपसे बोल रहा था कि 17 रन है, अभी देखो 29 हो गया, चल रहा है सिक्स ओवर अभी भी। भाई साहब यहाँ पे तो चौपड़ वगैरह पड़ना शुरू हो गए, स्कोर तो हाई हो रहा है नीदरलैंड्स का भी। यहाँ पे सिराज भाई आज कुलदीप यादव कमाल की स्पिन बॉल कराते हुए यहाँ पे अलग ही उत्साह ऑडियंस के मन में भी है। देखो ये देखो, ना कोई छू पा रहा है ना कोई मार पा रहा है, ये है कुलदीप यादव का ओवर, बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। 11th ओवर चल रहा है, 10 ओवर्स 5 बॉल्स हो गई हैं और स्कोर 61 ही है। वाओ, अपने आउट किया सेकेंड विकेट को, यहाँ पर नीदरलैंड्स ने लिया है DRS, देखते हैं क्या होता है, काफ़ी गहमा गहमी है। I'm satisfied that there's no back involved, they'll track it in already. There's no secret is out, they'll put it in line, impact is in line, look at the Happy Deepavali! यहाँ पे विराट कोहली फील्डिंग करते हुए, पीछे रोहित शर्मा, जबरदस्त फील्डिंग, जबरदस्त यहाँ पे बॉलिंग इंडिया की तरफ से, पूरा अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ है।
भाई स्पिनर्स हैं तो आज मतलब आग लगा रखी है, मौका नहीं देना है किसी को। जड्डू भाई ने तो आते ही पहली बॉल पे विकेट ले लिया था। मतलब की स्ट्रिक्ट बॉलिंग चल रही है जडेजा की तरफ से, तब से रन जाने की कोई गुंजाइश नहीं हो पा रही। ये देखिए बहुत स्ट्रिक्ट बॉलिंग, मजा आ गया। मतलब देखते हैं ऑलमोस्ट 22 ओवर होने को आए और टीम का स्कोर 91 ही है। ये देखो शॉट मारने की कोशिश, वो भी नहीं गया अभी। अरे ओवर की समाप्ति brings us to the end of the over, 5 dots and a single, 22 overs up Netherlands 91 for 3. कोहली की बॉलिंग की डिमांड चल रही थी और यहाँ पर कोहली का ओवर शुरू हो चुका है। तीन बॉल ऑलरेडी हो चुकी है और वह सिंगल गया हुआ है। आरसीबी का शॉट आउट शुरू हो, ये पब्लिक के लिए बॉल। ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್ ಇದು. ಫೋರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಒನ್ ರನ್ ಅಂಡ್ ಅ ವಿಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಹ್ಲಿಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಫ್ರಮ್ ಕೋಹ್ಲಿ. यहाँ पर 26 ओवर में 120 रन ही बने यार, कहाँ से नीदरलैंड 420 पार करेगी? लगता नहीं मेरा यहाँ पर वेट करने का कोई फायदा है। दिवाली का त्यौहार है, मन कर रहा है घर चला जाऊँ। ऑलरेडी 8 बजे हैं, चौका वैसे हमारी तरफ आया तो देखते हैं क्या होता है। इमरान ने पकड़ लिया चौका, और सिराज की हद से बॉल भी रुक गई। यार वही सोच रहा हूँ, जब बैंगलोर आ ही गया तो घर पर दिवाली मना ही लेता हूँ। दिवाली तो साल में एक बार आती है, मैच तो इंडिया जीतेगी लगातार, 8 मैच जीत चुकी है, ये एक और सही। एवरीवन टुगेदर, वी वॉन, वी वॉन। बाकी यार मैच तो मैंने काफ़ी देख लिया और इससे ज़्यादा देखने का मन भी नहीं था। इंडिया जीत ही जाएगी बड़े मजे से, और त्यौहार के टाइम में तो घर निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स आप देख लो, पानी फ्री रहा है पूरे वर्ल्ड कप में, ये अच्छी बात है। बाकी स्नैक्स वगैरह यहाँ पे अच्छे रेट में दिए हैं बैंगलोर में, इसके लिए बहुत ही खुश हूँ सर्विसेज के लिए। आप निकलते हैं घर और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही और वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। कन्फर्म टिकट को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को टिकट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, फ्लाइट ट्रेन होटल सब कुछ प्रोवाइड किया था। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को एक्सपीरियंस, और फ्यूचर में और कोलैबोरेशन साथ में और होंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।